मैं हूँ चित्रलेखा। चित्रों की दुनिया से उतरकर आज आप सबके मध्य, अपने मित्रों के मध्य, अपने विद्यार्थियों के मध्य और अपने शुभचिंतकों के मध्य आई हूँ। और आज मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ये चित्र यात्रा है, जो मेरी ये लेटेस्ट पेंटिंग मैंने बनाई है, इसके बारे में आपसे कुछ चर्चा करूँ। जब हम विद्यार्थी जीवन में थे या उसके बाद प्रोफेसर बन गई थी, तो भी हम लोग अक्सर कलाकारों को, चित्रकारों को एक चित्र के निर्माण हो जाने के पश्चात बुलाया करते थे। सारे चित्रकार एक ही जगह पर, एक ही नुक्कड़ में एक साथ बैठकर चाय के प्याले के साथ चित्रों का आनंद लिया करते थे, जिसमें मेरे गुरुदेव बीपी गांगुज, एम एस आर्य जी भी कई बार उपस्थित हुए थे। तो चित्रों के बारे में हम बहुत अक्सर चर्चा किया करते थे। ये मेरी लेटेस्ट पेंटिंग है जो मैंने नटराज के ऊपर बनाई है। नटराज के ऊपर हम बहुत, इसका बहुत विस्तृत वर्णन है। जैसे नटराज के नाम पर ही हमारे माइंड में यही आ जाता है, नटराज का मतलब संहार नृत्य। संहार नृत्य नहीं है, शिव ने 7 तरह के तांडव नृत्य किए थे, जिसमें उसका लास्य तांडव भी है, उनका शमशान नृत्य है, उनका मृत्यु नृत्य है, उनका द डांस ऑफ ब्लिस है, द डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन है। इस तरीके से बहुत सारे उनके शिव तांडव के ऊपर उनका चित्रण किया गया है, जो मेरी आप लोग डिजिट के कारण पुस्तक के अंदर देख सकते हैं। पर आज जो मैंने इस चित्र का निर्माण किया है, इसका नाम दिया है मैंने नटराज द डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस डांस ऑफ डिस्क्रिप्शन को बनाने के लिए, या शमशान नृत्य कह लीजिए या संहार नृत्य कह लीजिए, इसको बनाने के पीछे मेरी अपनी एक भावना है। मेरा ये विचार है ऐसा, कोई अन्यथा ना ले, मैं किसी देश या किसी स्थान के बारे में नहीं कहना चाह रही हूँ, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, परंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगी, हमारे शिव का सबसे, उनका जो प्रिय आभूषण था, वो आभूषण उनका सर्प था, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, कई स्थान पर आप इस चित्र के अंदर सर्पों को देख रहे हैं। इन सर्पों को, जो एक निरीह प्राणी दुनिया में रहते हैं, संसार का कल्याण, शिव को हम मानते हैं, वो कल्याण सुंदर की भावना से हर काम करते हैं। कल्याण सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीन बात हम सब जानते ही हैं। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम की जो भावना थी, उनके जो प्रिय आभूषण थे सर्प, उसको कुछ देशवासियों ने, कुछ नॉन वेजिटेरियंस लोगों ने चीर फाड़ करके खाना शुरू कर दिया। ऐसे निरीह प्राणियों को कैसे वो अपने मुँह के अंदर लेते होंगे, कैसे वो करते होंगे। महादेव वो तो महान है, उनके लिए ये सब बातें बहुत छोटी, लेकिन मनुष्य जब कुछ गलतियां करता है तो उसको बताना भी आवश्यक हो जाता है। तो मेरी ये भावना है, हमारे महादेव के जो ये प्रिय आभूषण थे, जब उसको चीर फाड़ करना शुरू करा, उसे खाना शुरू कर दिया, उनको शांति से अपने स्थान पर, अपने बिलों में, अपने घरों में रहने भी नहीं दिया गया, उन्हें लाकर बंद कर करके केज में बंद करना शुरू किया, और उन्हें बहुत दाम दे देकर बेच करके अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को अच्छा बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया, तो महादेव भी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये, फिर ये शमशान नृत्य, ये मृत्यु तांडव नृत्य जो किया है, आज के इस परिप्रेक्ष्य में, आज हम जो भारत को देख रहे हैं, भारत को क्या पूरे विश्व को देख रहे हैं, पूरे विश्व में ये जो संहार नृत्य हो रहा है, जो संहार हो रहा है, लाखों लाखों लोगों की जाने जा रही हैं, ये मृत्यु तांडव का नृत्य जो है वो महादेव ने किया। और मैं कहूँगी ये ऐसा समय आ गया है जब हम सबको मिल करके उनका महामृत्युंजय जाप करना चाहिए, जो मैंने इस चित्र के माध्यम से बताने की भी कोशिश करी है। लिखा भी है, ओम त्र्यंबक यजामेह सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुह मिव दधानंतन मृत्यु मुर्युक्षित मामृतात्तक। ये जो उनका महामृत्युंजय जाप है, हम सबको मिल करके करना चाहिए। अभी वो समय है जब हम मौन रहकर, शांत रहकर और वातावरण में डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अपने अपने घरों में एक बार यज्ञ अवश्य करें, प्रतिदिन करें, चाहे एक मिनट के लिए करें। अगर यज्ञ नहीं कर सकते हैं तो मानस यज्ञ करें, अपने मन में उस स्थान को, उस यज्ञ को
अपने पास रख करके, उस भावना को रख करके संसार के कल्याण के लिए इसका जाप अवश्य करें, जिसको मैंने बताया, अगर कर सके तो, कोई कंपल्सन नहीं है। जो जिस धर्म में भी है, किसी भी धर्म में, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि कोई भी धर्म है जिसके अंदर अग्नि को, चाहे वो अग्नि है, चाहे वो ब्रह्मनाद है, चाहे वो संसार का नृत्य है, या इस ब्रह्मांड में व्याप्त जो भी सत्यम शिवम सुंदरम की भावना है, उस भावना को खत्म नहीं होने देना चाहिए। उस भावना को मन में रख करके, अपने मन में ही यज्ञ को जागृत करके, हमें मौन ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर हो चाहे खुदा हो चाहे गुरुदेव हो, कोई भी हो, उनकी हमें पूजा अर्चना करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हम अपने इस कार्य को पूर्ण करें। चाहे वो चित्रकार है, चाहे वो कवि है, चाहे लेखक है, या साइंटिस्ट है, या डॉक्टर्स हैं, हमारे सिपाही हैं, कोई भी है, जो भी जिस जगह पर भी है, वो मौन रूप से इस यज्ञ को अवश्य करें। अब हमारे देश में, अब देख लीजिए पूरे विश्व के अंदर ये जो भी कुछ हुआ है, ओजोन का परत जो हमारा जिसमें छिद्र हो गया है, जिसके कारण ये सारी अव्यवस्था हो गई है पूरे संसार के अंदर, पेड़ों को काटा जाना है, ये सारी चीजें हैं, ये सारे के पीछे वही कारण है जो हमारे सनातन समय में हर रोज घरों में यज्ञ हुआ करता था। वो यज्ञ और वो भावना, वो सब खत्म हो गई। आप देखिए कोई भी धर्म ले लीजिए, चाहे वो मजार पे हम जा रहे हैं तो भी हम दीपक जलाते हैं, या चाहे हम उसमें मंदिर में जाते हैं तो दीपक जलाते हैं, चाहे हम कुछ भी करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, तो अग्नि का बहुत महत्व है। अब मैं बताना चाहती हूँ, मैंने जो इस चित्र का निर्माण किया है, इस चित्र के निर्माण करने के पीछे कितनी विधाओं से गुजरना पड़ता है। विशेषकर मेरे विद्यार्थी लोग इसको अवश्य सुने और देखें कि इस चित्र को निर्माण करने के लिए कैसे हमने सारा कार्य किया। तो मेरा ये मानना है कि एक चित्र का निर्माण बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि एक माँ किसी बच्चे को जन्म देती है, अपने गर्भ में वो 8 महीने तक शिशु को रखती है, और 8 महीने शिशु को रखने के पश्चात उसका भरण पोषण पालन करते हुए उसकी ममता की छाया में उसको धीरे धीरे करके वो जैसे डेवलप करती है, उसी प्रकार एक चित्र का भी निर्माण होता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आप देखिए, ये सबसे सर्वप्रथम खाली कैनवास मेरे पास आया, तब मैंने ये सबसे पहले चारकोल से कैनवास के ऊपर केवल स्केच किया, ड्राइंग किया। किसी भी कार्य को, किसी भी पेंटिंग को बनाने के लिए हमें एकदम से नहीं शुरू करना चाहिए, शॉर्टकट कभी अपने पेंटिंग में ना अपनाएं। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में उस चारकोल के ऊपर ही हमने येलो ओकर कलर से उसकी लाइन ड्राइंग करी और ड्राइंग को फाइनल कर दिया, और उस चित्र को फिर हम थोड़ा सा डेप्थ और थोड़ा सा डार्क कलर, थोड़ा सा डार्क कलर हम और बढ़ाते हैं उसमें, ताकि हमें उसकी डेप्थ और उसकी ड्राइंग की क्लियरिटी पता लग जाए। चौथे स्टेप में जब ड्राइंग पूरी हो गई तो हम बैकग्राउंड में थोड़ा सा हल्का सा कलर आप लगाते हैं। आप देखेंगे कि जब मेरा ये चित्र आप पूरा देखेंगे तो इसमें केवल ये पर्पल कलर जो हमने बैकग्राउंड में लगाया था उसका थोड़ा सा हिस्सा हमको कहीं दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन कहीं दिखाई देता है इसी पर्पल कलर का। धीरे धीरे करके इसके ऊपर फिर फोर्थ स्टेप आता है। फोर्थ स्टेप में हमने पूरी बैकग्राउंड का पूरा कलर, पूरी ड्राइंग पूरी हमने इसका कर लिया। फोर्थ स्टेप हो जाने के पश्चात फिफ्थ स्टेप में फिर बॉडी का कलर जो आप देख रहे हैं, ये पूरा बॉडी कलर उसको लगाते हैं, और लगाने के बाद सिक्स स्टेप में जा करके हमारी ये पेंटिंग विद फिनिशिंग के साथ में ये पेंटिंग कंप्लीट होती है। पेंटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद सबसे पश्चात हमें, अगर हम एक्रेलिक कलर कर रहे हैं या ऑयल पेंटिंग कर रहे हैं, तो हमें डेप्थ टू लाइट चलना पड़ता है। पहले डार्क कलर्स लगाते हैं, डार्क कलर लगाते लगाते धीरे धीरे करके लाइट लगाते हैं, और अंत में हाईलाइट वगैरह लगा करके पेंटिंग को फिनिश करते हैं। तो इस प्रकार मेरी नटराज की ये पेंटिंग आज इस समाज को समर्पित है, और इसके पीछे भावना केवल यही है कि आप चित्रों को बनाएं, चित्रों को केवल बनाएं नहीं, उसे जिएं, उसे महसूस करें, उसको छुएं, उसे आत्मसात करें। जब तक चित्र और चित्रकार एकाकार नहीं होंगे,
तब तक अच्छे चित्रों का निर्माण नहीं हो सकता है। बहुत सारी भूल चूक होती है, क्योंकि हम कोई भी हो, चाहे चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, गायक हैं, संगीतकार हैं, साहित्यकार हैं, हम सब हमेशा पूरे जीवन में एक विद्यार्थी के समान रहते हैं और विद्यार्थी ही बनकर रहें, तो इसी में हमारी भलाई है। इसमें बहुत सारी कमियां होंगी, मेरी कमियों को माफ करते हुए कृपया मेरे इस चित्र को मन से स्वीकार करें। बस केवल आपके मन की ही भिक्षा मैं मांगती हूँ और कुछ नहीं। धन्यवाद।